प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। अमित शाह का बड़ा बयान, बोले तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए इतिहास को हमें फिर से लिखने से कोई नहीं रोक सकता। आपके सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज ने किया सुसाइड, मौत की वजह साफ नहीं, एमसीडी चुनाव में टिकट न मिलने से परेशान थे। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रात से धधक रही आग, 12 घंटे से काबू पाने में लगी फायर ब्रिगेड की 40 गाड़ियां। डिप्टी सीएम सिसोदिया का आरोप, बोले बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रची है, मनोज तिवारी है इसमें शामिल। श्रद्धा हत्याकांड में लव जिहाद का भी एंगल, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया दावा। अमेठी में तैनात अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की बड़ी कार्रवाई, डॉक्टर संजीव सिंह ने की थी फायरिंग। कुशीनगर में हत्या के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। लखनऊ में गौतम बुद्ध पार्क के सामने शराबियों के बीच जमकर मारपीट, बीच बचाव करने पहुंचे पुलिसकर्मी को भी नहीं सुनी। सुल्तानपुर जिला महिला अस्पताल में हंगामा, पहले जुड़वा बच्चे की हुई मौत, फिर मां ने तोड़ा दम, परिवार वालों ने काटा हंगामा। यूपीएसटीएफ को मिली सफलता, सरकारी अस्पतालों की दवाइयां बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। चीन की रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में आग, 10 की मौत, 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। चीन में एक दिन में 31,000 कोरोना केस मिले, ये कोरोना काल में सबसे ज्यादा, 66 लाख की आबादी वाले 8 जिलों में लॉकडाउन। अनवर इब्राहिम बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री, सोडोमी और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। नाइजीरिया में बंदूकधारकों ने हमला कर 60 लोगों का किया अपहरण, लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। असीम मुनीर ने इमरान की पत्नी पर घुसखोरी का लगा इल्जाम, पहले एसआई चीफ बना, अब सेना के प्रमुख बने। रोनाल्डो की टीम ने जीता रोमांचक मुकाबला, फर्स्ट हाफ में सुन रही स्कोर लाइन। फीफा वर्ल्ड कप में उरुग्वे साउथ कोरिया मैच ड्रॉ, पूरे मैच में एक भी गोल नहीं हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड ने कैमरून को हराया, ब्रिल ने जड़ा एक लौता गोल, सेलिब्रेट नहीं किया। हरदीप सिंह और उमरान मलिक का सामना हुआ, वनडे में डेब्यू का मौका मिला। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश ने घोषित की टीम, शाकिब अल हसन की वापसी। ऋचा चड्ढा ने आर्मी का मजाक उड़ाया, अक्षय कुमार ने लगाई फटकार, सेना के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। एक्स वाइफ किरण राव के साथ दिखे आमिर खान, यूजर्स बोले ये क्या नौटंकी है, तलाक लेकर भी साथ घूम रहे हो। कांतारा के मेकर्स ने फिल्म से हटाया 12 रूपम गाना, थैंकू हड बैंड ने कहा इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।
अमोल पालेकर ने किया भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट, बोले हमें लगा कि इसे शामिल होना चाहिए। अनु कपूर से ऑनलाइन फ्रॉड करने वाला शख्स गिरफ्तार, केवाईसी ठीक कराने के नाम पर लूटे 4,36,000 रुपए। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, देखते रहिए प्राइम टीवी।